एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का और एक नए ट्रैवलिंग ब्लॉग में। तो भाई इस वक्त हम मौजूद हैं गौरीकुंड में और हम आए हुए हैं बाबा केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए, वो भी लास्ट मोमेंट में, क्योंकि दीपावली का टाइम है और बाबा का जो कपाट क्लोजिंग टाइम है वो 3 नवंबर को। तो हम अभी जाएंगे केदारनाथ धाम और आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको पूरा ट्रेक का व्यू दिखाएंगे कि इस टाइम में आना कितना बेस्ट है। तो हम आपको ले जा रहे हैं गर्म कुंड में। पता नहीं इस बार का बारिश में कितना नुकसान किया है, काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था उत्तराखंड में और भाई पूरा तबाही मचा रखा है यार। यहीं पे था गर्म कुंड, अभी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हाल है। यहीं पे था यार, पूरा उजाड़ के रख दिया यार। इससे पिछले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं केदारनाथ का कुछ यहाँ पे अलग सा व्यू था, अभी अलग व्यू है। पूरा भयानक भाई साहब लैंडस्लाइड हुआ, देख सकते हैं पूरा पूरा यहाँ पे घोड़े खच्चर रहते थे, काफ़ी लोग भी भाई साहब लोगों का भी बुरा हाल हुआ होगा। ओ आप देख सकते हैं बहुत ही डरावना लग रहा है यार यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं मन मन बसी मंदाकिनी नदी। इस वक्त आप देख सकते हैं ये है गौरीकुंड का मार्केट और काफ़ी शांत पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई दीपावली का टाइम भी है और कपाट बंद होने को भी है। इस वजह से काफ़ी कम भीड़ देखने को मिल रहा है। हम आगे आगे जाते हैं और दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं ये है पिट्ठू और पालकी का एरिया, यहाँ पे भी पिट्ठू पालकी वाले बहुत कम हैं और श्रद्धालु तो कम ही हैं। ये भी अपने अपने बरिया बिस्तर लेकर बहुत सारे लोग दीपावली के लिए घर चले गए हैं। आपको केदारनाथ ट्रेक में इस वक्त लोग आते हुए ही दिख रहे हैं, बहुत कम ही लोग हैं। हम और मेरा दोस्त दो ही जन जा रहे हैं और ये खच्चर भाई साहब देख सकते हैं पूरा रास्ता जहाँ तक दिख रहा है आपको आते हुए ही दिख रहे हैं। भाई जब भी केदारनाथ हो ढोलक राम जैसे दोस्त को लेके मत आओ यार, ये साले खच्चर में चल जाते हैं, हमें पैदल जाना पड़ता है अकेले। क्या क्या बोला आ रहा है कोई? अच्छा अच्छा, ये चेक पोस्ट साइड से है, कुछ आगे से चढ़ाएगा तेरे को, इधर खच्चर उच्चर बहुत सारे। इधर डंडा दे मेरे को, ठीक। ठीक है दोस्त, तो देख सकते हैं गाइस मेरा दोस्त खच्चर में केदारनाथ की यात्रा पूरी करेगा। कल मुझे कोई दिलचस्प नहीं है यार किसी बेजुबान के ऊपर चढ़ के अपनी शरीर का वजन उस पर लादूँ और ये खड़ी चढ़ाई पे। प्लेन रहे एक बात अलग रहती है। नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, ये पाप नहीं होगा। मैं भले यात्रा करना बंद कर सकता हूँ लेकिन ये पाप नहीं होगा। हम धीरे 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 धीरे, अरे रात के 12 बज जाएंगे, पहुँचते पहुँचते क्या दिखे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और आप सभी को पूरा केदारनाथ यात्रा का दर्शन कराएंगे। चल पर ठीक है तू। तो देख सकते हैं मेरा दोस्त घोड़ा में बैठ गया, कुछ करना चाहेगा? कुछ भी नहीं। तो भाई अपने साथ ढोलक राम जैसे दोस्त का भी, वरना बस मेरी तरह अकेले जानी पड़ेगी। खैर इनका थोड़ा माथा में दर्द कर रहा है, वो कल तुंगनाथ वाला ट्रैक किया था ना, तो इसका नींव पकड़ लिया है और माथा भी थोड़ा पकड़ लिया अच्छे से। तो ये बोल रहा था मैं जा ही नहीं पाऊँगा, तो फिर मैंने बोला चल खच्चर ले ले, खच्चर के सहारे कम से कम दर्शन कर ले। तो बस मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, खच्चर इधर देख सकते हैं कुछ खच्चर जो अभी घर को नहीं गए हैं। और इधर मन मन बहती मंदाकिनी नदी और सन्नाटा रास्ता, बहुत ही कम जितने भी लोग दिख रहे हो आते हुए दिख रहे हैं, जाते हुए बस कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं। तो भाई इस वक्त हम पहुंच गए हैं बाबा भैरव मंदिर और यहाँ पे बहुत सारे दुकानें हुआ करती थी यार, बट अभी कुछ भी नहीं है। जो दूर दराज से आए हुए लोग रहते हैं वो चले गए, यहाँ एक पंडित जी भी रहते हैं बट वो भी नहीं है। जय बाबा भैरवनाथ। ये कुछ नज़ारा है भैरवनाथ के समय का, और नज़ारा आप देख सकते हैं।
शानदार है ना भाई, हम स्टिक लेके चल रहे हैं। लेकिन मजा आ रहा क्या? मजा आ रहा है। कोई नहीं है रास्ते में, हम ही हैं। हम ही हैं। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा यार कि केदारनाथ ट्रैक पे एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ। अब देखो यार कोई भी नहीं है, दो चार बंदे ऊपर की ओर जा रहे हैं, बाद बाकी जितने दिखाई पड़ रहे सारे नीचे को आ रहे हैं। लेकिन अच्छा सा एक्सपीरियंस है ये भी। भोलेनाथ की असीम कृपा है यार, जो कि कपाट खुलने टाइम भी बाबा के दर्शन हुए थे, अब बंद होने के टाइम भी बाबा का बुलावा आ गया, तो बस जा रहे हैं। देख लो यार केदारनाथ ट्रैक पे क्या सीन बना रखा है। ये देखो, ये था पुराना रास्ता ना, बट इस बार बारिश का मौसम है ना, बहुत भयानक ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ तो ये रास्ता को पूरा का पूरा नीचे लेके गया। अभी दूसरा रास्ता इधर से ऊपर से बनाया गया है, हम अभी दूसरे रास्ते में जाएंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी तक, और अभी 4:20 होने को है और अंधेरा होने में करीबन 1.5 घंटा है, उसके बाद तो अंधेरा हो ही जाएगा। तो रात का भी व्यू आज वाली इस ट्रैक में देखने को मिलेगी। फिलहाल सफ़र बेहतरीन रह रहा यार, सोलो फर्स्ट टाइम केदारनाथ हम उठ रहे हैं, और आप देख सकते हैं पूरा ट्रैक ही सुनसान पड़ा है। इसीलिए भाई केदारनाथ आने के लिए ना सही समय का चुनाव करें और सही टाइम पे आएं, वरना आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये कुछ शानदार व्यू आप देख सकते हैं गाइस, जगह जगह पे ना रास्ता टूटा हुआ है। ये जगह पे भी ना रास्ता टूट गया था, देख सकते हैं। ये पुल बना रहा है यहाँ पे, नया पुल, ताकि वहाँ से सीधे इधर से रोड एक नंबर हो जाएगा। फिर जहाँ पे ये झरना ना, वहाँ पे पूरा का पूरा रोड को लेके गया नदी में भाई। इस बार तो भाई केदारनाथ ट्रैक में बहुत ही जगह पे रास्ता टूटा हुआ पड़ा है। देखो इस जगह पे भी लैंडस्लाइड हुआ था, नया रास्ता बनाया गया, देख सकते हैं पूरा का पूरा। और ये देख के तो भाई मन ही खुश हो जाता है, क्या ही बताएं। तो भाई साहब देख सकते हैं यहाँ से केदारनाथ की दूरी 10 किलोमीटर है, और कुछ यहाँ पे साइन बोर्ड दिया हुआ है। तो रामबाड़ा है 1 किलोमीटर, छोटी लिंचोली 2.5 किलोमीटर, लिंचोली 5 किलोमीटर, छानी कैंप 6 और केदारनाथ 10, बेस कैंप 8.5। अगर 8-9 बजे तक भी अगर बेस कैंप पहुँच जाते तो टेंट लगा सकते हैं। 10 किलोमीटर अभी भी सफर बचा हुआ है और अंधेरा होने को 1 घंटा। खैर रामबाड़ा से पार होने के बाद थोड़ा सा टफ हो जाता है ट्रैक, और तो पता नहीं, धीरे धीरे हम निरंतर चल ही रहे हैं, एक या दो बार बैठे होंगे, अच्छा नहीं लग रहा, धीरे धीरे चलाना अच्छा लग रहा है। सच में यार ये दृश्य देखे ना मैं शौक हो गया यार। आप देख लो यार, यहाँ पे 2 पुल थी, एक इस जगह पे पुल थी और एक जो उस जगह पे पुल थी, दोनों के दोनों पुल का ना बहा के लेके गया, वो जो बनाया वो नया पुल है। और ये देखो नज़ारा यार, कुछ ज़्यादा ही तबाही मचाया था इस साल भाई। इसीलिए बारिश का मौसम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप लोग केदारनाथ धाम में, क्योंकि बहुत रिस्की होता है ना। आप देख सकते हो कितना नुकसान हुआ होगा, कितने घोड़े खच्चर, इंसान का भी पता नहीं यार, लाशे भी नहीं मिलते हैं यहाँ पे, इतना भयानक जब बाढ़ आता है ना, खतरनाक। आप देख सकते हैं पत्थर, देख सकते कि ना बड़ा बड़ा पत्थर को लुढ़का दिया यार, वाह साहब। सच में यार ये साल का ना मेरा दूसरा ट्रैक है, फर्स्ट टाइम था बाबा डोली के साथ जब कपाट ओपनिंग हो रही थी, अभी हो रही है जब कपाट बंद हो रहा है। तो भाई दोनों के दोनों दृश्य अलग ही है। सच में यार देखो कितना सारा पत्थर नीचे आ गया है, मतलब ऊपर काफ़ी तबाही मचा रखा हो, ये देखो।
तो भाई देख सकते हैं हम छोटी निंचोली पहुंचने वाले हैं और इधर का कुछ नज़ारा, यहाँ पे कुछ दुकान वगैरह हैं, खाने पीने की सारी सुविधा है। अंधेरा में भी काफ़ी फैसिलिटी भाई, पूरा ट्रैक में दे रखा है, इस प्रकार से लाइट है बता, LED लाइट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि हम अंधेरा में बाबा की यात्रा कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं पूरा, मतलब अंधेरा टाइप से फील ही नहीं हो रहा यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप देखो यार, अंधेरा लग रहा है, पूरा का पूरा लाइट व्यवस्था है यहाँ पे। हर हर महादेव सभी को। तो भाई महादेव की नगरी में मेरा बहुत ही प्यारा सुबह हो चुका है और देख सकते हैं सूर्यदेव भी विराजमान हुए हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। सबसे पहले हम ये खूबसूरत व्यू दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये लिमिट समय तक ही रहते हैं, जब तक सूरज दिखाई पड़ता है तब तक ही ये मस्त सा नज़ारा दिखाई पड़ता है। और सुबह सुबह ना सबसे ज़्यादा व्यू क्लियर आता है ना, उसके बाद जैसे दोपहर होने लगता है ना उसके बाद पूरा का पूरा कोहरा छाया होता है, पूरा बादल से ढक जाता है पूरा माउंटेन, तो अच्छा नहीं दिखता है। ये देख सकते हैं कल रात भी स्नो गिरा था ऊपर में और इधर का कुछ नज़ारा है। बारिश के महीने में पूरा का पूरा ग्रीनरी से भरा था वो, वहाँ पे देख सकते हैं वाटरफॉल है। और ये देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी का नज़ारा, और हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी आए हुए हैं, तो उधर कुछ प्रशासन वगैरह हैं और हम मंदिर का कुछ टूर करा देते हैं आपको। चलते हैं इधर, ये देखते हैं मंदिर, मंदिर का पीछे साइड आपको दिखेगा भीमशिला, इसे हम भीम भी बोलते हैं क्योंकि 2013 में जब आपदा आई थी तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। एंड चलो हम नीचे की ओर जाते हैं, और ओ भाई अभी ना नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है, CM आए इसलिए हम थोड़ा सा एक झलक दिखा देते हैं आपको। अभी CM आए हुए हैं इसलिए मंदिर के फ्रंट साइड जाने नहीं दिया जा रहा है यार। एंड आप इधर देख सकते हैं इधर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, एंड कुछ टाइम तक हम रुकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है भाई, केदारनाथ धाम है ना, मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले धूप दे रहा था और देख सकते हैं अभी चारों तरफ पूरा कोहरा छाया हुआ, पूरा का पूरा। फिर कितना सुंदर माउंटेन का व्यू आ रहा था वो भी नहीं। फिलहाल चलो हम भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं मंदिर का, और ये देखें बैक साइड से हमें एंटर करते हैं। तो हम अभी मंदिर के समय पहुँच गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है भाई, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मंदिर का कपाट बंद होने वाला है, उसके बाद 6 महीने के बाद ही यहाँ पे कपाट खुले जाएंगे। कुछ नज़ारा आप देख सकते हैं, मौसम ख़राब हुआ ना तो व्यू कुछ इस प्रकार से आ रहा है। एंड देखें हर हर महादेव, ये कुछ नज़ारा है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं क्योंकि लास्ट टाइम में ना सबको दर्शन करना रहता है, नहीं तो 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, इसीलिए बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। हम थोड़ा देख सकते हैं मंदिर के एकदम समीप है, और बता दें ये मेरा 3rd time बाबा केदारनाथ धाम आए हुए हैं, बाबा के दर्शन किए हैं, लेकिन इस टाइम हम गर्भगृह में दर्शन कर पाए हैं। जब अप्रैल में आए थे उस टाइम दर्शन करने नहीं दे रहे थे, लास्ट टाइम में ना दर्शन करने दे रहे थे, तो काफ़ी आनंद आया यार गर्भगृह का दर्शन करके। और देख सकते हैं ये बाबा भोलेनाथ के
आगे नंदी महाराज विराजमान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा लोग हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं ये लोग सभी श्रद्धालुओं को। एंड और एक चीज़ बता दें, जब कपाट ओपनिंग होती है ना, तब पूरा का पूरा फूलों से सजाया जाता है। ये देख सकते हैं, पूरा का पूरा फूलों से उस टाइम सजाया गया था। और कुछ टाइम के बाद फिर फूल हटा देते हैं, और जब कपाट क्लोज होने का टाइम होता है ना, फिर फूलों से सजा दिया गया। ये दो दिन पहले सजाया गया है, आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और प्यारा और भव्य लग रहा है। ये देख सकते हैं श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी है। सभी श्रद्धालु जल्दी से जल्दी अपना भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही इसका जो ट्रैक है ना, बहुत टफ है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। किसी के मेरा तो 10 घंटा लगा था, किसी का 12 घंटा, 14 घंटा, कोई कोई जिसका स्टेमिना 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, जिनकी जैसी कैपेसिटी होती है उस अनुसार बाबा भोलेनाथ तक दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं यार। ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, और शीत वगैरह के बचने के लिए, बारिश वगैरह, स्नोफॉल से बचने के लिए भी बहुत सारा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। और भी बहुत कुछ दिखाते, बट अभी मौसम इतना भयानक ख़राब हो गया ना कि कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं। हमको लगता है कुछ टाइम के बाद स्नोफॉल भी हो सकता है। यहाँ पे मौसम का कोई गारंटी नहीं है, मतलब इतने हाइट पे है ना, जब आप चढ़ाई करेंगे तो सिर में पेन होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तब जाके भोलेनाथ का दर्शन होता है। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा भाई। हम ना बहुत भाग्यशाली समझते हैं यार, किन्हीं किन्हीं को बुलावा नहीं आता, और मेरे को बाबा भोलेनाथ 3 बार बुला लिया। और सबसे खुशी की बात है कि इसी साल 2 बार आए, एक कपाट ओपनिंग के टाइम और कपाट क्लोजिंग के टाइम। तो ये जो सौभाग्य ना मेरे जन्म का ना, जो हम जन्म लिए ना, इसका सबसे मेरा मूल रूप हो गया बाबा भोलेनाथ का ये दर्शन देख के यार, सच में वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो जी हो गया अभी का दर्शन। अब हम आपको कराएंगे शाम के टाइम, जब बाबा भोलेनाथ के दरबार में बहुत ही भव्य आरती होती है, तो हम आरती का आपको दर्शन कराएंगे। तो बने रहो भाई, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो बाबा की आरती का देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए आज मेरे कैमरे के माध्यम से आप सभी को बाबा की आरती का दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव।